अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि यार आज बहुत काम है, और सबसे पहला काम तो ये है कि अभी उठाऊं तो सबसे पहले नाश्ता करना है। नाश्ता करके आपसे बात करते हैं। यार ये नाश्ते में पता नहीं क्या बनाया हुआ है। अंडा अंडा बराई वगैरह में भाई, इसके बाद पराठे होंगे। तो पहले करते हैं नाश्ता, फिर आपसे बात करते हैं। हाँ जी, नाश्ता तो कर लिया। अब ये है कि दूसरा काम कुछ यूँ है कि एक चप्पल लाई थी वालदा छोटे भाई के लिए। ये है वो चप्पल जो उसको पसंद नहीं आया, सो अब इसको एक्सचेंज करवा के लाना है। काम है, करना तो होगा। अब तो चलो चलते हैं फिर। तो भैया चप्पल तो एक्सचेंज करवा दिया, लेकिन वालदा के साथ आए और वो अपने लिए शॉपिंग ना करें, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो वो अपने लिए फर्ज देख रही है और मैं यहाँ पर बैठा हुआ पागलों की तरह सन्नाटे में। शुक्र है फाइनली मैं घर वापस आ गया, लेकिन बहुत गर्मी थी यार बाहर, बहुत ज्यादा गर्मी थी, हालत टाइट हो गई। हाँ तो यार इतनी गर्मी थी बाहर कि हालत टाइट हो गई। शुक्र है रमजानों में इतनी गर्मी नहीं थी। और रमज़ान से पहले लोग रमज़ान 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 कहते रहते हैं, मतलब एक किसी को टेंशन होती है, किसी को खुशी होती है कि रमज़ान आ रहा है। फिर रमज़ान भी आ ही जाता है और फिर 10 दिन गुजरते हैं तो लोगों की ईद की टेंशन होने लगती है। लोगों को कि भाई ईद ईद आएगी यार, शॉपिंग करना है। जो बच्चेबाज होते हैं बोलते हैं यार तेरी भाभी को शॉपिंग करवाना है, इतने खर्चे ये फला फिस्ता। तो फिर यूँ होता है कि यार ईद भी आ ही जाती है। ईद गुजर गई, अब तो चलो ये गुजर गई, अब एक हफ्ता शायद और चलेगा कि यार मैं गया था मामू के घर, वहाँ इतने खर्चे हो गए, इतने बच्चों को ईदी देनी पड़ी। और जो बच्चीबाज होते हैं फिर वो कहते हैं कि यार तेरी भाभी के साथ डेट पे ही था, 4-5 हज़ार लग गए तेरे भाई के, लेकिन यार वो खुशी के पल थे यार, वो पल अभी तक याद आते हैं। तो ये तेरी भाभी ने गिफ्ट दिया है, अरे तू कहाँ चला गया? तो ये तेरी भाभी ने गिफ्ट दिया है, लव इट यार। तो अच्छा एक हफ्ता और इतना चले ऐसा चलेगा, उसके बाद भाई ईद अल अज़हा का वेट करेंगे लोग, मतलब जिसे आप बकरा ईद कहते हैं। मंडी शंडी जाएंगे लोग, भाई वहाँ मंडी लगी है, फला ऐसा जानवर आया है, फला ऐसा जानवर आया है, मतलब आते सारे जानवर है, बैल गाय भैंसें, बकरे तो बहुत कम ही नज़र आते। फिर भाई बकरी ईद बकरा ईद क्यों कहते हैं इसको, मुझे तो नहीं पता। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट में ताज़ी बताएं कि इससे बकरा ईद क्यों कहते हैं, क्योंकि बकरे तो मैंने बहुत कम ही देखे। ज़्यादातर जो होते हैं ना भैंस वगैरह गाय वगैरह लाते हैं बंगाली, वो बड़े सिंह वाले बैल लाते, तो मैंने तो नहीं देखा यार कोई बकरा लाता हो। एक हाथ ही लोगों को देखा है कि बकरे वगैरह लाते हो। तो कहने का मकसद है वक्त गुजर ही जाता है जैसा भी हो, अबे तो फिर यहाँ आ गया, तो हमें भी इंतज़ार है ईद अल अज़हा का, क्योंकि जब मंडी वंडी लगना स्टार्ट होगी तो हम आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे, बड़े बड़े जानवर आपको मंडी जाके दिखाएंगे, आपको शो कराएंगे कि यार कौन सा जानवर सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे महंगा जानवर है, भैंसे दिखाएंगे बैले दिखाएंगे। तो ये सब बकवास करने के बाद अभी मैंने जाना है स्विमिंग पूल, क्योंकि गर्मी बहुत है आज, फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं, तो जाते हैं यार स्विमिंग पूल, आज थोड़ा सा स्विमिंग करके आते हैं। तो भैया अभी हम और लड़कों का वेट कर रहे हैं, ये हमारे साथ शाहिद भाई हैं, इरफान भाई है, तो और हमारे जो एक दो कारकुन है वो अभी तक आया नहीं है, बाइक नहीं है उनके पास, बाइक लेने गए हुए, तो अभी हम वेट कर रहे हैं, जब वो आते हैं तो निकलते हैं स्विमिंग के लिए। सारे कारकुन आ चुके हैं और हम निकल चुके हैं स्विमिंग पूल के लिए। ये हमारा शाकिर भाई है और ये बदूल बदूल में लटक रहा था पीछे फंसने वाला, तो चलते हैं स्विमिंग पूल में। अपने जमा करा दिया इरफान को, अब इरफान भाई जाएंगे टिकट लेंगे। इरफान भाई टिकट ले रहे हैं, इरफान भाई नौ लड़के, इरफान भाई नौ लड़के, कितने पैसे जमा हुआ इरफान भाई नौ लड़कों के? 150 भाई, 150 के हिसाब से नौ लड़कों के लगाओ कितने होते हैं? 6 का कितना हुआ? 900। 6 लड़के? मुझे पता ही नहीं। अच्छा 6 लड़के, 3 भाई के 6 लड़के।
बुरे यार साथ बुरे। क्या लेगा भाई क्या लेगा, ये लड़कों के टोकन ले भाई, टोकन दे कहाँ जा रहा तू, ये टोकन नहीं देके जा रहा भाई, ये टोकन नहीं देके जा रहे, तो अभी चेंज करें जरा, फिर स्कूल के मनाजिर दिखाएं आपको। यार शॉर्ट भी किराए पे लेना पड़ रहा है यहाँ पर, तो लोकर तो लेना ही पड़ता है, शॉर्ट भी लेना पड़ रहा है। बात सही लगा ना जो उतरे ना, ये शॉर्ट भाई 20 रुपए का है, ये बंगी है यार, पैसे तो दूं इसके जरा मेरे। भैया शर्ट पहन के यहाँ पर नहाना अलाउ नहीं है, स्विमिंग करना तो मजबूरन ही आपको अपनी बॉडी शो करानी पड़ेगी, जैसे कि हमारे इरफान भाई देखे, ओए ओए सेक्सी बॉडी है लड़के की। साकिर भाई भी कुछ कम नहीं लग रहे, फुल सेक्सी उस्ताद है, पर धम था। मैं भी उतारता हूँ अभी फिलहाल, कुछ शॉर्ट्स ले लूँ। भरपूर रश है भाई यहाँ पर, भरपूर रश है, ये हमारे एक बंदा भी घूम रहे, अगर कोई डूब उब गया तो ये बचाते हैं चाचा साहब। चाचा कोई डूब गया तो बचाओगे ना आप इंशाल्लाह? देखो चाचा बचाते हैं, कोई डूब गया तो मसला नहीं है, क्योंकि इरफान को तैरना नहीं आता है, वो इरफान भाग रहा है डर के, देखो वो जा रहा है, वो गहराई से भाग रहा है बंदा। तो अभी मैं शर्ट उतार ही देता हूँ यार, बहुत देर हो गई घूमे जा रहे हम लोग, ऐसी शर्ट उतार ही दिया भाई आपके भाई ने, तो यार अभी थोड़ा सा ये फेरन लवली लगाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि खारे पानी में नहाने के बाद फेस जो है ना काला काला सा हो जाता है। अब सही है भाई, अब तैयार हो गया आपका भाई, जाऊं क्या भाई? अभी मैं और शाकिर भाई रेस लगा रहे हैं, देखते हैं कौन पहले फूल पार करता है, फूल दिखाना जरा, देखते हैं पहले कौन फूल पहले कौन पार करता है, हम रेस लगा रहे हैं, चलो स्टार्ट, एक दो तीन। स्विमिंग के लिए बहुत स्टेमिना चाहिए, थोड़ा सी स्विमिंग करने के बाद फट गई, सबकी फट गई बेटे में, सबकी हालत टाइट हो गई है, अभी थोड़ा चिल करते हैं यार, इरफान अभी तक नहीं गया तो उसको हम उठा के फेंकेंगे, इधर इधर घेरे में फेंक, इधर घेरे में फेंक, इसको फेंक अंदर, फेंक अंदर, चाचा खड़ा हुआ पीछे बचाने वाला, इसको तैरना नहीं आता बेचारे को यार, मर रहा है वो ये शायद पहुंच गया उसको बचाने के लिए। ये इरफान को स्विमिंग सिखा रहे हैं जो के, ये देखो इरफान है, स्विमिंग नहीं आती इसको, स्विमिंग सिखा रहे हैं शायद भाई, सिखा रहे हैं शायद भाई, ट्रेनर सीनियर हमारे, उल्टा करके सिखा रहे हैं, देखो अब डूब ही गया है तो यार, ये ये देखो ये कुमेल को देखो, इलाके से बाहर निकलते ही सिगरेट पीने लग जाता है, ये देखो ये बेटा व्लॉगिंग हो रही है, व्लॉगिंग हो रही है कुमेल भाई, याद रखना, ये अभी आए हैं सिगरेट पी रहे बच्चा, देखो घर पे नहीं पीते, इलाके से बाहर निकलते ही सिगरेट पीने लग जाते हैं, सबर करो, घर वाले देखेंगे ना ये वीडियो फिर बताएंगे तुझे। तीनों का कंपटीशन है, कितना पानी में रहता है, एक दो तीन। अरे मैं अब तीसरी माता में निकले हो, शायद अभी तक नहीं निकला है, चौथी दफा वीडियो देखे, वीडियो 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 में आकर इसकी सुन ले यार, ये एम्पायर बिठाया हुआ था इसको, ये कह रहा कि हार गया। वैसे आपको पता है जीता कौन है, वीडियो बहुत बन गई, अब वीडियो बनाना बस करते हैं और पूल को एंजॉय करते हैं, थोड़ा नहाते मस्त होते हैं, फिर स्विमिंग पूल से बाहर जाके आपसे गुफ्तगू करते हैं, बहुत ठंडा पानी डाल दिया इधर, पीने को नहीं है लोगों के पास, तो मेरे ऊपर डाल रहा है, तो यार बस बहुत हो गया।
हाँ भाई सारे तकरीबन नहा के बाहर आ चुके, लेकिन ये कुछ मेले हैं जो साल के 12 महीने नहीं नहाते, बाहर निकल ही नहीं रहे भाई। उन मेलों में ये एक कौन है, ये शाकिर और ताहा, ये मेले हैं। आदिल मेरा बाहर आ चुका है, आदिल सबसे बड़ा मेला है। और ये इरफान देखो कितना खुश हो रहा है बेचारा, ये इसको जूम करके दिखाएं आपको। इरफान कहाँ गए चांडियो, कहाँ गए चांडियो, गायब हो गया यार। चलो यार आ जाओ यार, जाना है घर जाना है, आ जाओ बाहर आ जाओ। गालियां ज्यादा दे दी इसने आज। भाई क्या करें, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, पत्थर उठा के मारो, ब्लॉग उठा के मारो, थोड़ा मारो, चीनी मारो, लेकिन बेल आइकन को जरूर आरी को लाजमी दबाना, क्योंकि कमेंट्स में आ रही है। माधव भाई बहुत अच्छा व्लॉग बना रहे, सपोर्ट करें यार, पूरी भाई को सपोर्ट करें, और चांडियो साहब को भी सपोर्ट करो, इन्होंने फेसबुक में अपनी अपनी वीडियो अपलोड की है, उसको शेयर करें, कमेंट्स करें, और क्या करना नहीं भूलिए, शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।